नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। केंद्र सरकार और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार की लड़ाई लंबे वक्त से चल रही है। जब से पोस्टिंग को लेकर दोनों के बीच तकरार शुरू हुआ है, तब से ही आम आदमी पार्टी लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है। इस बीच उपराज्यपाल भी लगातार केजरीवाल को टेंशन देते जा रहे हैं। जी हाँ, विनय सक्सेना जो कि दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, उन्होंने अब एक बार फिर से बड़ी टेंशन आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को दे दी है। आपको बता दें कि दिल्ली सेवा विभाग ने बुधवार को दिल्ली सरकार के तहत आने वाले सभी विभागों, बोर्डों, आयोजनों और स्वायत्त निकायों को पत्र लिखकर उपराज्यपाल की मंजूरी के बिना लोगों की फेलो और सलाहकार के रूप में नियुक्ति रोकने के लिए कह दिया है। मतलब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब अरविंद केजरीवाल की सरकार इन पदों पर खुद से नियुक्ति नहीं कर सकती है। ये पत्र ऐसे समय में आया है जब कुछ दिनों पहले ही दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने भर्ती में कथित अनियमितताओं का हवाला देते हुए विभिन्न विभागों में अरविंद केजरीवाल द्वारा नियुक्त किए गए 400 विशेषज्ञों की सेवाओं को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया था। इस फैसले के बाद आम आदमी पार्टी तिलमिला गई थी और इसे असंवैधानिक करार दिया था। आप इसे अदालत में चुनौती देने के लिए लगातार बातें कह रही है। अब आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि विशेषज्ञों और सलाहकारों की सेवा समाप्त करने का कदम दिल्ली सरकार और उसकी सेवाओं को पूरी तरीके से दम घोट देने वाला है। केजरीवाल ने उम्मीद जताई कि सुप्रीम कोर्ट इस कदम को खारिज कर देगा। वहीं खबरों के अनुसार माने तो दिल्ली सेवा विभाग ने दिल्ली सरकार के तहत आने वाले सभी विभागों, बोर्डों, आयोगों और स्वायत्त निकायों को पत्र लिखकर एलजी की मंजूरी के बिना लोगों की फेलो और सलाहकार के रूप में नियुक्ति रोकने के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। यानी अब दिल्ली सरकार नियुक्ति नहीं कर पाएगी। वहीं इससे पहले 400 लोगों को एलजी के कहने के बाद निकाल भी दिया गया था, जिसके बाद से ही आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। आपको बता दें कि 9 मई को केंद्र का अध्यादेश लागू होने के बाद दिल्ली सरकार सेवा विभाग का नियंत्रण भी एलजी के हाथों में आ गया। दरअसल अध्यादेश अमल में आते ही उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने एक फैसला लेते हुए दिल्ली सरकार के 23 प्रमुख विभागों, निगमों, बोर्डों, सोसाइटियों और स्वायत्त निकायों में विशेषज्ञ के तौर पर काम कर रहे 400 से ज्यादा प्राइवेट लोगों को नौकरी से हटा दिया। वहीं अब एक नया आदेश जारी कर दिया गया है कि दिल्ली सरकार इन पदों पर कोई भी नियुक्ति नहीं करेगी जब तक एलजी का आदेश नहीं होगा। तो इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से लगातार सीएम अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और वो केंद्र सरकार से सीधे टकरा रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर अभी ये तकरार कब तक चलती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार विपक्षी पार्टियों से साथ मांग रही है और इस मुद्दे पर सरकार की आलोचना करने के लिए कह रही है। कुछ पार्टियां अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में हैं, तो कांग्रेस जैसी पार्टियां अब आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के विरोध पर हैं और ऑर्डिनेंस के मुद्दे पर दोनों के बीच तनातनी चल रही है। बहरहाल इस बीच एलजी सक्सेना ने जिस तरीके से एक बड़ा फैसला लिया है, उसके बाद से आम आदमी पार्टी टेंशन में है। देखना होगा कि अब आगे अरविंद केजरीवाल क्या कुछ करते हैं और किस तरीके से ये लड़ाई आगे बढ़ती है। फिलहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।